ये देश बड़ा भाग्यशाली है, ये देश बड़ा पुण्य आत्माओं का देश है। इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जन्म लिया, उन्होंने हमें एक ऐसा छाता दिया जिस छाता में सबके अधिकार सुरक्षित हैं, लेकिन आज उस छाते में छेद करने की कोशिश हो रही है। कोई चाकू लेकर आ रहा है उस छाते को तार तार करने के लिए, कोई कहता है कि राम जादे वर्सेज हराम जादे होगा, कोई कहता है 80% वर्सेज 20% होगा, और वो आज लोग कैसे अंदाज में बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए। मैं कहता हूँ कि जो कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाओ, मैं उन लोगों से पूछता हूँ उनके अब्बा के कितनी हवेलियाँ वहाँ खाली हैं, उनके पिता के कितने प्लॉट वहाँ हैं, उनके दादा नाना चाचा कितने बड़े बड़े पाकिस्तान में कॉलोनियाँ छोड़ के चले गए कि भारत से बसा के भगा के लोगों को वहाँ बसा देंगे। मैं एक शेर बोलता हूँ, किसी की खैरात से कोई भी मुसलमान मोहताज नहीं है। मैं कहता हूँ जब आज़ादी मिली है तो इसमें बिस्मिल का भी लहू था, भगत का भी लहू था, चंद्रशेखर का भी लहू था। साझी विरासत, साझी लड़ाई, साझा संघर्ष, साझा तप, और कौन भूल सकता अब्दुल हमीद साहब को, साहब कौन भूल सकता उस कुर्बानी को। और आज कहते हैं हिंदुस्तान से 80 और 20, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान हम है, हाँ से हिंदू माँ से मुसलमान है। मैं कहता हूँ बड़े बात से कि जब भी देश में नफरतवादी उन्माद चलेगा, जब भी इनके विकास का काम चलेगा, बहुत अच्छी बात एक होती है कि जब भी इन्हें नागरिकों की जेब काटनी होगी, जब भी सिलेंडर के दाम बढ़ाने होंगे, जब भी कोई नया मुद्दा लाना होगा, आपकी आंखों में धूल झोंकेंगे, हिंदू मुसलमान की लड़ाई को आगे करेंगे, आपकी बातों को झुठला देंगे, और वो कह देंगे इस बात को कि हिंदू मुसलमान करो, धर्म का उन्माद करो और हमें बात करो। एक रंग आपने देखा, रंग बेशर्म कर दिया इन्होंने, लानत है ऐसे बीजेपी पर कि रंग को बेशर्म कह दिया। राष्ट्रवादी लोग हैं, कह रहे हैं राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी कौन नहीं है भैया, आप इतने सर्दी में तप कर रहे हैं, एक बात करने के लिए आए, दुनिया तक पहुंचाएंगे, आपसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन होगा। आप कैमरे वाले लोग, आप पत्रकार लोग अपनी जान को हथेली पर लेकर कवर कर रहे हैं, आपसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन होगा। पता नहीं कितने पत्रकारों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया, कितने पत्रकारों से नौकरियां छीन ली गई, आज राष्ट्रवादी पत्रकार और गैर राष्ट्रवादी पत्रकार भी हो गए। एक तरफ वो राष्ट्रवादी सुधीर चौधरी है, अंजना ओम कश्यप है, ये राष्ट्रवादी कहते हैं, ये राष्ट्रवादी। मैं कहता हूं कि राज दिलों में होना चाहिए, पन्नों पर एतवार नहीं। राज दिलों पर रवीश भी करते हैं साहब, और जब अंजना और इनकी लोग देखते ना तो चिल्ला चिल्ला के आप ही लोग और हम ही लोग कहते हैं गोदी मीडिया। बिहार में गई थी बड़ी बड़ी बातें करने, बिहार के लोगों ने दम दिखाया था, कैसे हूटिंग करके और कैसे कर दिया, कैमरे भी बंद करने पड़े, खुद को भी कवर करना पड़ा, सुरक्षा का घेरा मांगना पड़ा। और मैं तो कहता हूं बिहार के लोगों, आपने वाकई ताकत दिखाई है, बिहारी किसी से कम नहीं है साहब। बिहारी जो हम लोग गोदी मीडिया कहते रह गए, उन्होंने गोदी मीडिया को लपेट कर रख दिया। सर हम बात करिए, इस पर हम बात कर रहे हैं साधु प्रज्ञा ठाकुर पर, उन पर आतंकवाद का खुद आरोप है और वो खुद मुसलमानों को कत्ल की बात कर रहे हैं, उस पर आप लोगों क्या स्टैंड रहेगा। जाहिर तौर पर कि मुसलमान कोई कमजोर कौम नहीं है, मुसलमान किसी दया की मोहताज नहीं है, मुसलमान कोई अकेले नहीं है। अगर इस देश में 20% मुसलमान हैं और 80% हिंदू कहते हैं, तो 80 में से 70% हिंदू मुसलमान भाइयों का हाथ पकड़कर मजबूती के साथ खड़े हैं, और ये 10% फिरका परस्ती लोग जो अपने आप को कहते हैं कि भगवा बेशर्म रंग है, मुसलमान देशद्रोही हैं, जो कहते हैं मैं उन्हें देशद्रोही कहता हूँ, क्योंकि उनका कहना है जितने भी आतंकी पकड़े सब मुसलमान हैं। मैं तो कहता हूँ साध्वी प्रज्ञा पर भी एक आरोप लगा था, आप बता दिए कौन सा आरोप लगा था उन पर, वो कौन से आरोप के तहत जेल के सीक्षों में थी, वो कौन से आरोप के तहत उन बताती हैं कि मेरी हड्डियां तोड़ी गई, वो कौन से आरोप के तहत बताती हैं कि मुझे झूठे उसमें खाना खिलाया गया, कौन से आरोप में थी। साध्वी जी आपको याद है आतंकवादी क्या होता है, आपको याद होगा बढ़िया से आतंक कैसे फैला जाता। आप, मैंने फिर कहा कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। सांसद बनी हुई है फिर, ये देश का दुर्भाग्य है साहब।
मोदी ने मतलब दुर्भाग्य है मोदी जी। मैं बात किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी एक पद की गरिमा को मैं आघात नहीं करना चाहता। बड़े गरिमा का पद है प्रधानमंत्री का, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसे लोगों को अपने दल में शामिल किया है जो कहती हैं चाकू तेज करा लो, छुरियां लेके निकलो, किन्हें मारना चाहती हो, किस देश की माटी को लाल करना चाहती हो, भारत माँ के तिलक पर लहू का टीका क्यों लगाना चाहती हो, किस मुंह से फिर आप लोग बोलते हो जय श्री राम। जय श्री राम ने क्या यही किया था प्रभु राम ने? प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो भील के भी झूठे बेर खाए थे, निषाद राज को भी गले लगाया था, प्यार किया था, उनके राज में तो कभी कोई चाकू छुरी नहीं चले। काए को किस काले मुंह से जय श्री राम बोलते हो अगर राम का अनुसरण और राम के चरण का वंदन भी नहीं कर पाते तो? खुद कहा था मन से माफ नहीं करेंगे कभी। मन से माफ नहीं करते तो क्यों नहीं बिठा देते घर? कौन बोलता है मोदी जी के हाथ किसने पकड़े कि एक कलम से ये लिखे कि ये मेरी पार्टी में नहीं है? किसने रोका मोदी जी को? क्या लगता है मन से माफ नहीं करेंगे उसके बाद भी फिर तमाम ये चीजें मन से मोदी जी? मन से इतनी दया कृपा है, मन से माफ नहीं करेंगे, लेकिन मोदी जी चतुर राजनेता हैं। मोदी जी का एक मंत्र रहा है, गोधरा उसका गवाह है, गुजरात उसका गवाह है, पल पल ये साक्षी रहे हैं कि किस तरह बीजेपी का ग्राफ बढ़ा। जब जब उन्माद फैलता है बीजेपी की वोट की झोलियां भरती हैं, लेकिन अब हिंदू भी समझदार हो गया है, मुसलमान भी समझदार हो गया है, हिंदू का बच्चा जानने लगा है कि अमित शाह का बच्चा जैसा कहाँ है, हिंदू का बच्चा जानने लगा है कि शिवराज का बेटा कहाँ से पढ़ता है, हिंदू का बच्चा जानने लगा है कि तलवार हमसे उठवाएंगे, नारे हमसे लगवाएंगे और मलाई अपने बच्चों को देंगे। में मोरवी में तमाम लोग मरे, बिल्किस बानो को जो है जमानत हो गई, गुजरात वालों ने खूब प्यार दिया उसके बाद भी। देखियो इंची वाले ने 156 सीट जीत ली। देखिए सीट जीतना अगर पैमाना हो जाए तो आप ये भी तय कर लीजिए, आप लोगों की खबरें मैंने देखी हैं, पढ़ी हैं कि लास्ट के एक एक मिनट पे 16-16, 17-17 वोट भी ईवीएम में कास्ट हुई हैं, ऐसी भी खबरें आप सबने चलाई हैं, दिखाई हैं, कैसे हुआ है? एक मिनट में 17 वोट कैसे पड़ सकती है? और लास्ट के एक घंटे की काउंटिंग आप सबकी खबरें ही बताती है, 15-15, 16-16 लाख वोटें आ गई, कहां से आ गई हैं? मैं तो कहता हूं कि इस देश के लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को, भाईचारा बढ़ाने वालों को, हिंदू मुस्लिम को एक करने वालों को, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या लगता है विपक्ष कमजोर है? देखिए विपक्ष और पक्ष कोई कमजोर नहीं होता, डर ज्यादा हो गया है, डरता है विपक्ष मोदी से, विपक्ष नहीं डरता। हम और आप डरने लगे हैं ईडी से और सीबीआई से, दो जो इनके तोते, जो ये दो हथियार हैं, आज लोग नहीं बोल रहे लेकिन 23 कल परसों से शुरू हो रहा है, आधा 23 आने दो, आधी बीजेपी खत्म हो जाएगी, आधी बीजेपी के लोग भाग जाएंगे, जितने प्रताड़ित विपक्ष है उससे ज्यादा प्रताड़ित स्वयं बीजेपी के नेता मोदी जी के शासन में, शाह जी के शासन में, वो इस अवसर का इंतजार कर रहे हैं कि बस चुनाव करीब आ जाए और इनसे पीछा छुड़ा लिया जाए। आप हिंदू नहीं है क्या सर? अब हिंदू होने के लिए मुझे आपको क्या दिखाना होगा? हिंदू खुश है सर बीजेपी के राज में है? मैं कहता हूँ खुश तो होंगे ही, जाहिर तौर पर खुश होंगे, अगर राम जादे वर्सेज हराम जादे करके हम वोट दे देते हैं और इस बात का हम साक्षी हो जाते हैं, हम कतार में खड़े होकर पसीना बहाकर अगर ऐसे लोगों को चुनते हैं तो शर्मसार हर वो मतदाता है जिसका चुना हुआ सांसद ये कहता है कि छुरी निकाल लो, कतार निकाल लो, चाकू निकाल लो, राम जादे हराम जादे, 80% 20% करते हैं, और जो कहते हैं कि दूसरे के धर्म की बेटियों को भी खींचकर बलात्कार करेंगे। हमारे देश के पूर्वजों ने कभी नहीं सिखाया था कि बेटी बहन अलग और जुदा होती हैं, बेटी बहन साझी होती है, उनका मान सम्मान साझा होता है। जिहाद को बचाने के लिए करा जा रहा है। इस तरह के बयान से मकसद क्या है बीजेपी का? देखिए बीजेपी का मकसद एक ही है, अभी तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। एन केन प्रकार वोट की रोटी सेकी जाए, वोट का खेत फसल लहलाता रहे, जब जब धर्म की राजनीति आगे बढ़ेगी, जितने इस देश के नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हो, जो भगत सिंह के संतान अपने आप को मानते हो, जो चंद्रशेखर आजाद के संतान मानते हो, जो अपने आप को अम्बेडकर साहब की औलाद मानते हो, किताबों से निकलो, संविधान की ओर देखो, कमल की ओर मत देखो, ये फूल आपको अंग्रेजी वाला फूल बना रहा है, आपकी रसोई गैस महंगी हो रही है, आपके महंगाई का दर बढ़ रहा है, नौकरियाँ छीनी जा रही हैं, जुमलेबाजी गढ़ी जा रही है, और फिर चाशनी लगा दी जाती है कि धर्म खतरे में, 80% हिंदू होकर भी अगर धर्म खतरे में है तो हिंदुओं को डूब मरना जो चाहिए। कहते हैं मंदिर बन गया सर, कब्जा कर लेगा सर, चाइना कांप रहा है, पाकिस्तान डर रहा है, सब कांप रहे हैं, सब डर रहे हैं, बस मोदी जी को ठंड नहीं लगती।
वो अलग बात है कि वो 36 लाख का सूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं। इंच का सीना है ना, मैं कह रहा हूँ 56 इंच का सीना देश की भलाई में लगना चाहिए, 56 इंच का सीना देश के काम आना चाहिए, 56 इंच का सीना बच्चों को रोजगार देना चाहिए, 56 इंच का सीना 6 बच्चों का स्कूल टेंट का बनवाता है। ये कैसा 56 इंच का सीना है कि 56 मिनट की क्लास और स्कूल गायब, स्कूल ढूंढ रहे हैं लोग। 56 इंच के सीने ने पहला एक स्कूल बनाया, 6 बच्चों को बिठाया, एक लैपटॉप लगाया, खिड़कियां भी टेंट की, दीवारें भी टेंट के, और वो टेंट गायब। अरे भैया जिनपिंग को झूला झुलाने वाले ये देश के नौनिहाल देश के बच्चे आपको इंतजार कर रहे हैं। अब जुमलेबाजी का दौर खत्म हो गया, 24 आखिरी है, इसके बाद आपकी वापसी नहीं है। तालाशाही नहीं चलेगी। आप अभी मुसलमानों की बात करें, अब क्रिसमस डे पे भी जो है तुलसी दिवस मनाया जाएगा, मनाना चाहिए, तुलसी जी की पूजा की जाएगी, क्रिसमस डे नहीं। तो ये अपराध क्या है, अपराध क्या है? जिसको क्रिसमस मनाना हो क्रिसमस मनाए, जिसको तुलसी मनाना तुलसी में, जिनको मजार जाना जिनको मजार जाना हो मजार जाए। यही तो आजादी संविधान में लिखी है, किसने रोका तुलसी दिवस को, क्यों रोकना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जो नानक के प्यारे हो नानक की इबादत करें, जो कबीर के प्यारे हैं कबीर की, और जो रसखान को चाहते हैं वो रस में डूब जाए। आपने कहा 24 आखिरी है, लेकिन कह रहे हैं 35 साल और राज करेंगे, कोई हिला नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात कही थी मोदी जी ने, जिसे अमित शाह ने झुठला दिया कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। उन्हीं के डिप्टी अमित शाह जी ने कहा था कि ये जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, ये भी एक बड़ा जुमला है। उनकी बातों में अब दम नहीं। बीजेपी में ही कई ऐसे नेता तैयार हैं जो चाहते हैं कि मोदी मुक्त हो, बीजेपी मोदी से मुक्ति बीजेपी को मिले और हम कुर्सी पर आए। देश तानाशाही से ना बीजेपी चलाना चाहती है न देश के और लोग, ये कुछ लोग आए हैं, ये देश का दुर्भाग्य, जिनमें प्रज्ञा ठाकुर भी शुमार है। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आपको सर? मुझे नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, मुझे बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान का राष्ट्र चाहिए।